नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। जूनियर एशियन वुमन हैंडबॉल चैंपियन अल्माटी में खेली जा रही है। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हैंडबॉल की टीम भारत ने कजाकिस्तान को 29-21 से हराया और अपने नाम मैच करते हुए एशियन चैंपियनशिप में भारत का पदक जीतना तय माना जा रहा है। जूनियर एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप अल्माटी में खेली जा रही है। अंतिम मैच थाईलैंड से 14 मार्च को खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इंडियन जूनियर गर्ल्स टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए अल्माटी कजाकिस्तान में खेली जा रही 16वीं जूनियर एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में आज अपने मैच में टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम मेजबान कजाकिस्तान को 29-21 से हराकर आज का मैच अपने नाम किया। मध्यांतर तक भारत 15-9 की बढ़त बना रखी थी। यह पहली बार है जब देश की लड़कियों ने कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान को हराया है। इस वक्त तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जो है वो मैनेजर ललित कलाल जुड़ चुके हैं। आपको पूर्व में ज्ञात होगा कि भारतीय हैंडबॉल वुमेन टीम जो है एशियन चीप का जो है वो लगातार मैच खेल रही है। ललित जी, सबसे पहले आपका न्यूज 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। ललित जी, आपने पूरा वहां का माहौल देखा है, किस तरीके से आज जो है वो भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हार दी है, क्या क्या किस तरीके से जीत हासिल की है? आज का मैच इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम पहला मैच जीत गए थे उज्बेकिस्तान से और दूसरा हमारा ईरान से जो मैच था उसमें उम्मीद थी। हमारी लड़कियां बहुत अच्छा मेहनत कर रही थी, बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी जी, लेकिन ईरान का मैच दूसरा हम दुर्भाग्यवश हार गए जी। तो इस मैच के लिए हमारे कहां और मरो की स्थिति थी और ये मैच हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत के साथ जीत लिया। बहुत अच्छे अंतर से, 8 गोल के अंतर से जीता है और यहाँ इंडिया की गर्ल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ललित जी, आगे आगे किस तरीके से सबसे मजबूत टीम को आज हराया है और 2 मैच जीत के अब इंडिया ने 1 मेडल अपना पक्का कर लिया है जी। और अगर हमारा 14 तारीख को फिर मैच है थाईलैंड से जी, वो अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा गोल्ड या सिल्वर का मेडल भी पक्का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात सोनी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैंडबॉल इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया टीम ने विदेश में मैच जीता है। इसमें हमारे यहाँ से जो 2 कोच है, डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी और डॉक्टर सचिन चौधरी जी, उन बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ में कोच है संध्या टीपी जी, उनका भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप सभी की एक जॉइंट मेहनत से आज इंडिया टीम ने एक गौरवशाली पल दिए हैं। जी सर। ललित जी, आगे और कितनी टीमों से जो है वो भारतीय टीम भिड़ंत करेगी, क्या है पूरा मामला? भारत का अंतिम मुकाबला है 14 तारीख को थाईलैंड से और उसमें पूरी उम्मीद है। थाईलैंड अभी तक की सबसे कमजोर टीम में आकी जा रही है क्योंकि अभी तक थाईलैंड एक भी मैच नहीं जीता है जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मैच भी हमारी लड़कियां निकाल लेंगी। और ललित जी मेरा आखिरी और मेरा ललित जी आपसे आखिरी और अंतिम सवाल है कि इस हैंडबॉल टीम के साथ जो है वो आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको कैसे पूरा कर रहे हैं और आगे किस तरीके की आपकी प्लानिंग है? ये पूरा एक टीम वर्क है जी। क्यों को बात है, मैं जहां जब भी मौका मिलता है पूरा जी कोशिश करता हूं। उस मोटिवेशन से एक हमें यहां पर सुविधा थी तो मैंने फर्स्ट मैच जीतने के बाद बाहर से इंडियन खाना करवाया और भी हम टीम इंडिया इंडियन अरेंज करवा के होटल का प्रयास। ललित जी, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ललित जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आवाज पहुंच पा रही है ललित जी? हाँ सर, हाँ सर, यस सर जी, बताएं बताएं। ये पूरा टीम वर्क है जी। टीम के कोच और मैनेजर मिलके बच्चियों में पूरा जोश का संचार कर रहे हैं, लड़कियों को मोटिवेट किया जा रहा है। हमारे द्वारा भी उनको काफी मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा एक उत्साह का संचार किया गया और जीतने पर, फर्स्ट मैच जीतने के बाद लड़कियों का यहाँ का भोजन हमें स्वाभाविक है कि कजाकिस्तान का भोजन थोड़ा सा
सहज है, तो इंडिया कूड की व्यवस्था की बाहर से हमने लाके अरेंज किया, और आज भी टीम इंडिया जीती है तो उनको बाहर से इंडियन फूड खिलाया जाएगा और इंडियन फूड खिला के ही ये सेलिब्रेशन होगा, और उम्मीद करते हैं कि अगला हमारा अंतिम जो मैच थाईलैंड से है वो भी हम जीत जाएं। तमाम अपडेट के लिए ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। भारतीय हैंडबॉल टीम के मैनेजर ललित कलाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत की ओर से भावना ने सर्वाधिक 9 गोल किए, जबकि जस्सी व कप्तान प्रियंका ठाकुर ने 5-5 गोल किए, प्रियंका व मोनिका ने 4-4 गोल तथा संजना कुमारी ने 2 गोल किए। भारतीय टीम की गोलकीपर चेतना ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का अंतिम मैच सोमवार को थाईलैंड से है। टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर हैंडबॉल जगत में खुशी की लहर है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री एस जगन मोहन राव, कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए टीम की हौसला अफजाई की और उम्मीद जताई कि अंतिम मैच में भी भारतीय टीम इसी प्रकार से शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। वहीं भारतीय टीम का दिल्ली पहुँचने पर शानदार स्वागत किया जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के मैच में यहाँ रह रहे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई छात्रों ने स्टेडियम पहुंचकर टीम की हौसला अफजाई की, जिसमें दिव्य, दिलीप शाह, पवित्र जैन, जयदीप पंचाल, योगेंद्र कंसारा एवं कई स्थानीय लोगों ने भारतीय टीम का सपोर्ट किया।